The BJP is going all out in these elections in Madhya Pradesh. Three union ministers, four MPs and a party general secretary have all been fielded as candidates. I am in Indore and I am in now in conversation with Kailash Vijayvargiya. Kailash ji, kya mahol hai? आप देख लीजिए माहौल क्या है, लोग बहुत प्यार करते हैं। इंदौर में मैंने काम किया है, इस मोहल्ले में भी जब मेयर था जब काम किया है, तो लोगों को विश्वास है कि काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया, मोदी जी के प्रति लोगों का अगाध विश्वास है और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग शहर में विकास कर रहे हैं, प्रदेश में विकास कर रहे हैं, देश में विकास कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव लड़ा रहे थे, अब खुद लड़ रहे हैं यहाँ पर। पार्टी के आदेश का पालन करना है हमें, तो पार्टी ने कह दिया लड़ना है तो लड़ने लगे, लड़ने के साथ लड़वा भी रहा हूँ। रोज दिन में 4-5 सभाएं करता हूँ बाहर जाके, शाम को आता हूँ फिर अपने क्षेत्र में घूमता हूँ। और इस बार मुद्दा एक ये ज़रूर दिख रहा है कि किसान नाराज़ हैं। किसान क्यों नाराज़ हैं? मध्य प्रदेश के किसान तो नाराज़ नहीं, आप और कहीं से आ रहे हैं लगता। मध्य प्रदेश में किसान बहुत खुशहाल हैं, मैं किसानों के बीच में ही रोज़ सभा करके आ रहा हूँ और बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। ये देख रहे हैं इसमें से कम 25% किसान है जो मेरा स्वागत कर रहे हैं, 25% किसान ये लोग बहुत स्वागत कर रहे हैं, कोई नाराज नहीं है। और बेरोजगारी एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, इसको कैसे टैकल करेगी भाजपा? देखिए, जो भी जितना आप शायद आप ही के चैनल में मैंने देखा था कि दो राज्य ऐसे हैं जहाँ कम बेरोजगारी है अन्य राज्यों की तुलना में, तो हमने काम किया है भाई। हमने यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, लोगों को रोजगार दिया। इंदौर में हमने 1,00,000 लोगों को रोजगार दिया। TCS कंपनी लाए हम, इंफोसिस कंपनी लाए हम, सोर IT कंपनी लाए, और इसलिए यहाँ पर हमने बहुत विकास किया है। फार्मास्यूटिकल कंपनी कम से कम हम 100 लाए यहाँ पर, जिसमें यहाँ के कम से कम 25,000 लोग काम करते हैं। तो बहुत काम किया है सरकार ने। और मैं खाली एक आंकड़ा बताता हूँ कि मैं उद्योग मंत्री था 2008 में, जब हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ मात्र 3% था, 4%, आज 24%। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़िए, लाइट की जगमग देख रहे हैं आप। मैं ऊर्जा मंत्री था जो हमारा उत्पादन 5,000 मेगावाट था, आज 28,000 मेगावाट है। हम सरप्लस पावर वाले स्टेट हैं, तो हमने विकास किया और बहुत साफ दिखाई देता है। हर खेत में हमने बिजली पहुंचाई, हर खेत में हमने पानी पहुंचाया। आप किस किसान की बात कर रहे हैं? 7,00,000 हेक्टेयर में सिर्फ सिंचाई होती थी, आज होती है 45,00,000 हेक्टेयर में। हमने सिंचाई के माध्यम से खेतों में पानी पहुंचाया। पर कैपिटा मध्य प्रदेश के किसानों की इनकम बढ़ी है, किसान का नाराज होने का सवाल ही नहीं। कमलनाथ जी का कहना है कि वो कर्जा माफ़ी करेंगे, आप लोगों ने किसान के लिए क्या किया? उन्होंने तो पहले भी किया था और कर्जा माफ़ नहीं किया। हम वही कहते हैं जो करते हैं और कांग्रेस वही कहती है जो कभी नहीं करती है। तो हम में और उनमें अंतर यही है, हमारे प्रति विश्वास है, कांग्रेस के प्रति अविश्वास है। हमारे नेता के प्रति विश्वास है, मोदी जी के प्रति, कांग्रेस के नेता के प्रति अविश्वास। 18 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन इस बार चुनाव में कलेक्टिव लीडरशिप है। और अभी एक नारा मैंने सुना आपके नाम पर भी था कि मुख्यमंत्री आप बनिए। देखिए, ये तो कार्यकर्ता हैं, नारे लगाते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं। बाकी आप जानते हैं हमारी पार्टी की पॉलिसी, हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी है। विधायक दल की बैठक होगी, नेता चुना जाएगा, फिर वह पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगा, उसका नाम लगेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा गणित करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल साफ साफ है, इंटरनल डेमोक्रेसी, विधायक दल नेता चुनेगा और नेता वही मुख्यमंत्री बनेगा। ये जनसंपर्क यात्रा, आप हर दिन कितना काम कर रहे हैं, कुछ आइडिया दीजिए। मैं लगभग रोज 8-10 किलोमीटर चलता हूँ ऐसे, क्योंकि समय बहुत कम होता है। मैं 7 बजे प्रारंभ कर पाता हूँ और 10 बजे तक आचार संहिता लग जाती है, तो जितना हो जाता है उतना कर लेता हूँ। आचार संहिता बंद लग जाती है वहाँ बंद कर देता हूँ, फिर दूसरे दिन वहीं से चालू करता हूँ, तो ऐसा सतत चल रहा है। आखिरी सवाल कैलाश जी, आप चाहते थे क्या कि आपके पुत्र को फिर से मौका मिले चुनाव लड़ने का? देखिए, उसमें योग्यता है, मुझे चाहने और नहीं चाहने की बात नहीं है, वो डिजर्व करता है। पार्टी ऐसे जो योग्य नौजवान है उसे मौका देगी, इसलिए मैं चाहता हूँ, उससे कुछ नहीं होता, वो डिजर्व करता है। 3 तारीख को क्या होगा, नंबर बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 150-160 सीट के बीच में सीटें आएंगी। चलिए, हम 3 तारीख को फिर से आपसे बात करेंगे।